महानगर कांग्रेस कमेटी गोरखपुर के तत्वाधान में बुधवार को इंदिरा गांधी प्रतिमा गोलघर पर उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष पद पर विधायक अजय कुमार लल्लू के मनोनीत होने पर हर्ष व्यक्त किया गया। उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के नवनिर्वाचित प्रदेश अध्यक्ष चुने जाने पर महानगर कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं ने एक दूसरे को मिठाई खिलाकर अपनी खुशी का इजहार किया। इस मौके पर महानगर कांग्रेस कमेटी के निवर्तमान अध्यक्ष अरुण कुमार अग्रहरी ने कहा कि प्रियंका गांधी जी ने बहुत ही अच्छा निर्णय लिया है। इस निर्णय के साथ ही सभी कांग्रेस कार्यकर्ताओं को संदेश देने का कार्य किया है कि अब जो जमीन पर रहकर काम करेगा, संघर्ष करेगा, आंदोलन करेगा, उसी को पद और सम्मान मिलेगा। इस दौरान पार्षद संजीव कुमार सोनी, दिलीप निषाद, सुहेल अंसारी, बाल मुकुंद, उमेश खन्ना, आशीष प्रताप सिंह, डीएन चौधरी, नवीन सिन्हा, अजय सिंह, राजेश तिवारी, अनुराग पांडे, वसीम अहमद सहित अन्य कांग्रेसी मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज संवाददाता से बात करते हुए कांग्रेस कमेटी के महानगर निवर्तमान अध्यक्ष अरुण अग्रहरी ने कहा, राहुल गांधी अरुण कुमार अग्रहरी, अध्यक्ष महानगर कांग्रेस कमेटी गोरखपुर, निवर्तमान अध्यक्ष। आज जो है उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष पद पे सेवरई के विधायक माननीय अजय कुमार लल्लू जी को मनोनीत करने से उनका जो चयन हुआ है, उस सबसे खुशी के लिए, एक हर्ष के लिए, एक सेलिब्रेशन के लिए हम सब लोग इंदिरा जी की मूर्ति गोलघर में एकत्रित हुए हैं। और इसके लिए अपने केंद्रीय नेतृत्व और उत्तर प्रदेश की प्रभारी अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की महासचिव श्रीमती प्रियंका गांधी जी का आभार व्यक्त करते हैं कि उन्होंने एक जमीन से जुड़े हुए व्यक्ति को, एक आंदोलन और संघर्ष जिनकी पहचान रही है, उनको उत्तर प्रदेश की कमान सौंप कर ये संदेश देने का काम किया को अब जमीन पर ही जो रह के काम करेगा उसी कार्यकर्ताओं को सम्मान और पद मिलेगा। तो निश्चित रूप से जो एक काम कार्यकर्ता है उसके अंदर बहुत ही हर्ष है, उसका मनोबल बढ़ा हुआ है और निश्चित तौर पे हम सभी लोग उनको शुभकामनाएं देते हैं को वो अपने केंद्रीय नेतृत्व के और जनहित के आकांक्षाओं पर खरा उतरें और उतरेंगे, ऐसा हमको आशा नहीं, पूर्ण विश्वास है।